अगर बिहार की सरकार कम ध्यान देता तो हम उतना 4-5 दिन के रास्ता हम खड़ी जाते। ये कपड़ा टांग रखे बाथरूम की वजह से। कोई यही कम मिल जाएगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे? देख रहे हैं नवर टाइम्स, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ट्रेन के भीतर। दरअसल को इसलिए क्योंकि बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और जरा मैं ट्रेनों का जायजा लेने पहुंचा हूं, देखने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जो छठ पर्व मनाने वाले लोग हैं वो आखिर कैसे ट्रेनों की यात्रा कर रहे हैं। स्थिति यह है कि यहां तिल रखने की जगह नहीं है। चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा तस्वीरों को दिखाएं कि यहां तिल रखने की जगह नहीं है, और जहां मैं जिस तरीके से यहां खड़ा हुआ हूं वो भी एक किसी का सामान है जिस पर मैं चढ़ा हुआ हूं। और यहां पर मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए बिहार के जो लोग हैं वो अपने घर किस तरीके से आते हैं। देखिए ये कोई नक्सली नहीं है ना कोई अपराधी है, लेकिन ये टॉयलेट के बगल में बैठे हैं। चेहरे पर देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने चेहरे को ढक रखा है, और जरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए पीछे शौचालय है। दरअसल बदबू इतनी है इन्होंने चेहरे पर जो है वो कपड़ा बांध रखा। जरा इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी इन्होंने ऐसा रास्ता अख्तियार किया। क्या नाम है भाई साहब आपका, सबसे पहले बताइए? दिलखुश कुमार। चेहरे पर आपने क्या दिलखुशी बांधा है? ये कपड़ा टांग रखे बाथरूम की वजह से, जो गमक आ रहा है बदबू, गमक आ रहा है, महक आ रही है। हाँ, उसके क्यों आप यहाँ बैठे हैं? जगह नहीं था इसलिए इस जगह बैठ गए हैं। कितने देर से बैठे हैं? तो हम वाले पकड़े तो अभी 12 घंटा हो गया यहाँ पे। 12 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे बैठे। और आपको टिकट नहीं मिला क्या? टिकट तो मिला, लेकिन मिला। सीट नहीं मिली। लेकिन सीट नहीं मिली, बिल्कुल सीट खर्चा खर्चा। कहाँ से आप आ रहे हैं वैसे? अम्बाला से आ रहे हैं। अम्बाला में क्या करते हैं? अम्बाला में पहरेदारी करते हैं। बिहार क्या करने आए? बिहार छठ मनाने आए। इतना जरूरी है छठ के यहाँ आना? जरूरी है छठ का आना? जरूरी नहीं है इतना। हाँ। मम्मी पापा है, साल में एक बार पर्व आता है। हाँ। साल में एक बार आता है तो उस डे मनाने आ गए। मम्मी पापा भी बोला लेकर कितनी आस्था है लोगों के मन में, और आस्था इतनी कि लोग किसी भी तरीके से मुश्किल झेलकर अपने घर अपने बिहार आने के लिए मजबूर रहते हैं। इस वक्त मैं चलती ट्रेन में मौजूद हूँ। मैं चाहूंगा सहयोगी इसी तरह तस्वीरें बाहर की भी दिखाएं, और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर लोग यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं, पलायन करने को क्यों मजबूर है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मंगल कुमार। क्या कहाँ से आप आ रहे हैं? बेंगलोर से आ रहे हैं। अच्छा, आप अम्बाला से, आप बेंगलोर से आ रहे हैं। अच्छा, और भी जरा लोगों से देखूंगा, बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आप, कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। अच्छा, आप कहाँ से? हम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आ रहे हैं आप? चंडीगढ़ से सब पूरी फैमिली आ रहे हैं? आप कहाँ से बेटा? चंडीगढ़ से। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली तो चंडीगढ़ से लोग आ रहे हैं, कोई गुजरात से, कोई चंडीगढ़ से लोग। आप कहाँ से आ रहे हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, तो देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग चंडीगढ़, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, जगह जगह से हैं, यानी बहुत जगह से यहाँ पर लोग हैं। अच्छा भाई साहब, आप क्या करते हैं वहाँ पर? प्लास्टर का काम करते, सिविल का काम करते। सिविल का काम करते हैं, मजदूर हैं आप? हाँ, मजदूर हैं। जरा मजदूर है, क्या करना वहाँ पर? प्लास्टर का काम बिहार में काम नहीं मिला क्या? वहाँ बिहार में काम मिलता है लेकिन परमानेंट काम नहीं मिलता है। अगर 4-5 दिन काम करते हैं तो 2-3 दिन का मजदूरी मिलता है, 2 दिन का मजदूरी नहीं मिलता है, ऐसे होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अब हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं काम करके, या मजदूरी नहीं देता है काम? उल्टा काम करिए, ऊपर से झगड़ा करिएगा। हम लोग गरीब आदमी है, वो लोग पैसा वाला रहता है, क्यों झगड़ा करिए? बिहार में ऐसा क्यों होता है कि अब पैसा नहीं देता है काम का? बिहार में अब बिहार की सरकारें जो है क्यों ऐसा होता है? बिहार यहाँ काम नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अगर बिहार की सरकार काम यहाँ देता तो हम उतना 4-5 दिन का रास्ता हम थोड़ी जाते हैं। बोलिए, हम उतना कष्ट करके जाते हैं, आते कितना हैं। परेशानी हुआ, कितना परेशानी? बहुत परेशानी हुआ। अभी आने के टाइम में चेन्नई में मेरा सामान सभी निकाल के बाहर फेंक दिया। आने के टाइम में चेन्नई में मेरा सामान सभी बाहर निकाल के फेंक दिया। टीटी लोग, पुलिस वाला लोग बोल टिकट है, फिर भी बोला कि नहीं तुमको 1100 रुपया फाइन लूंगा। फिर भी मैं मोबाइल में टिकट दिखाया, मेरा भैया के पास भी टिकट है, फिर भी बोला कि नहीं 1100 रुपया फाइन दो। बोला किस चीज को दूंगा? फिर ट्रेन खुलने लगा तो स्पीड हो गया, तब सबका धक्का मार के टीटी बोला चढ़ो। हम लोग जान पर खेल के चढ़े, 2-4 आदमी छूट भी गया, गिर भी गया। उसके बाद जो है हम लोग जो बच्चा
चढ़ गया, उसके बाद दो चार आदमी गिरा है। छठ पर घर आना इतना जरूरी क्यों है? छठ पर घर आना इसलिए जरूरी है, हम देखिए हम माँ का बेटा अकेले है, हमारा घर में कोई नहीं है, अकेले सब चीज करना पड़ता है, इसीलिए आना पड़ा, नहीं तो हम लोग मतलब दो चार अगर, अगर अगर यही काम मिल जाए तो आप जाना चाहेंगे कहीं बाहर? हमको यही काम मिल जाएगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे? हाँ। बाहर में 15-16 हजार कमाते हैं, यहाँ 14-13 हजार भी मिलेगा तो यही कमा लेंगे, उतना दूर कहे क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करेगा, वो करते तो इतना दिन से खाली बोलते हैं हम रोजगार दे। भी की सरकार है, वो भी कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, विकास करेंगे, विकास का तो नारा लगातार 30-32 साल से हम सुनते आ रहे हैं। तेजस्वी जी भी है या नीतीश जी भी है, कोई कुछ नहीं देते हैं, हम मानते हैं इससे हमारे बिहार का सरकार से बढ़िया योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा जो अपना आदमी को भी मुसीबत में लॉकडाउन में, हम लोग थे बेंगलोर में, वो अपना आदमी को लॉकडाउन भी बुलाए बस अपना भेजा कर, लेकिन हमारा बिहार का सरकार नीतीश जी भी तो बुलवाए नहीं, बुलवाए हम लोग को उधर नहीं बस गया था। हाँ। हम लोग बेंगलोर में अपना किराया भाड़ा लगा कर कैसे कैसे एक एक महीना वहाँ पर स्टेशन पर रुके रहे हैं। हाँ। लॉकडाउन में। हाँ। रुकने के लिए नहीं देता था। और भी जरा लोगों से बात करने की कोशिश करें, देखिए किस तरीके से जान हथेली पर लेकर लोग यहाँ आने को मजबूर है, टीटी ने ट्रेन से उतार दिया, सामान फेंक दिया, और भी कुछ लोग हैं, जरा उनसे जरा समझने की कोशिश करें। भाई जब आप कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। गुजरात से क्या मुश्किल हुई, परेशानी हुई? बहुत परेशानी। किस तरह की? ये भीड़ लेकर। भीड़ को लेकर? अच्छा, खड़े खड़े आ रहे हैं? खड़े खड़े आ रहे हैं। तो वॉशरूम वगैरह गए? नहीं। कितने घंटे से? 25-30 घंटे से। 25-30 घंटे से क्यों नहीं वॉशरूम वगैरह, क्यों नहीं? जगह ही नहीं है, कहाँ जाऊँ? गंदा भी है, बहुत गंदा है, और बदबू भी हो रही है यहाँ पूरा। तो आखिर क्यों आपको जाना पड़ा है गुजरात? कमाने के लिए। अच्छा, वहाँ बिहार की चर्चा होती है? बिहार का नहीं होता है चर्चा। नहीं मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वहाँ कोई पहचानता है? पहचानते हैं लेकिन अच्छा कोई नहीं कहते हैं। क्यों नहीं अच्छा कहते हैं? तो क्या बताए, बताइए बताइए क्यों नहीं कहते हैं? मैं क्या बताऊं, बताइए बताइए क्यों नहीं अच्छा कहते हैं? बात ही वैसा ही बोलते हैं। कैसा बात बोले वो? उतना लेडीज लोग है क्या? मैंने बोलिए बताइए ना, लेडीज लोग है यहाँ पे साथ में। अच्छा, तो वहाँ क्या चर्चा होती है? अब वहाँ देखे थे जो जो बयान दिए थे, बोले थे वहाँ पे, सुने थे आप लोग? सब लोग देखे हैं, सब लोग सुने हैं। क्या सुने वो? उतना क्या बताएं, लेडीज लोग बैठी। अच्छा, मतलब बोलने में शर्म आ रहा है आपका, लेकिन उनको शर्म नहीं आया। तो वहाँ पर क्या लोग बोलते, गुजरात के लोगों ने क्या कहा? क्या बोलेंगे, बोलेंगे बिहार का कैसा सरकार है, चुतिया है, ये है वो है, ये वहाँ पर लोग बोलते, तो है? बोलते हैं ना, खुद अपने आप शर्म आता है जितना बिहारी लोग है सब। देखिए बिहार शर्मसार होता है ऐसे ही चीजों से, लेकिन आप देखिए किस वक्त मैं ट्रेन में मौजूद हूँ, और ये ट्रेन जो है दानापुर से खुली हाजीपुर की तरफ जा रही है, और ट्रेनों की स्थिति देखिए, लोग किसी तरीके से सामान उठा रहे हैं, उतार रहे हैं, और भी जरा कुछ लोगों से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रेन जो है काफी भरी हुई थी, लेकिन अब जो धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ी है तो खाली हुई है, हम लोगों ने किसी तरीके से जगह बनाई है, अब थोड़ी सी भीड़ कम हुई है। मैडम आप कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही है बताइए, बताइए। मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कोई बात नहीं, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं। चंडीगढ़ से आ रहे हैं जी। क्या करते हैं चंडीगढ़ में? और हाँ मतलब प्लाई बोर्ड में प्रैक्टिस करते हैं। प्लाई बोर्ड में काम करते हैं? प्लाई बोर्ड में काम करते हैं। प्लाई बोर्ड में काम करते हैं जी। अच्छा, कितना पैसा मिल जाता है? मेरे 25,000 मिलता है जी। अच्छा, तो वहाँ से फिर यहाँ गांव जा रहे हैं, छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। अच्छा, छठ के लिए यहाँ आना इतना जरूरी है? ये तो हम लोग का तो पर्व ये है। मुश्किल जितनी भी हो जाए, लेकिन मुश्किल जितना भी हो तो जाना तो पड़ेगा। तो अच्छा, कितने देर से सफर कर रहे हैं? कल लमसम 11 बजे से। अभी 11 से ज्यादा हो चुका है, अभी लमसम 24 घंटे हो चुके हैं जी। तो क्या वॉशरूम वगैरह जाने में दिक्कत हो रहा? क्या करिएगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और भी लोगों से जरा बात करने की समझने की कोशिश करेंगे। देखिए किसी तरह लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक सीट है जिस पर चार की जगह है, लेकिन एक दो तीन चार पाँच छः तीन की जगह है जो सरकार प्रशासन रेलवे की तरफ से तीन लोगों को बैठने की जगह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर छः लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी ही ट्रेनों की स्थिति है, किसी तरीके से लोग भर के ठूस के किसी तरह से जो है वो छठ मनाने अपने गांव पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है ट्रेन की स्थिति। बहरहाल देखिए लंबी दूरी की ट्रेन है और ये अब काफी हद तक खाली हो चुकी है। ट्रेन इस वक्त रेलवे स्टेशन पर है, रुकी है, लेकिन स्थिति का आप जायजा लगा सकते हैं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा इस दृश्य को भी दिखाएं कि जो बैग रखने वाली रैक है इस पर भी लोग बैठे हैं, सोए हैं, और जो ये चलने की जगह है वो पूरी तरह जो है वो ठसम ठस भरी हुई है। लोगों के सामने स्थिति यह है कि कैसे चाचा आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? अम्बाला से आ रहे हैं। आप कहाँ से? अम्बाला से। जाएंगे कहाँ? हाजीपुर। हाजीपुर जा रहे हैं और छठ मनाने आ रहे हैं, क्या करने आए? छठ मनाने। हाँ छठ मनाने आए। ठीक है, तो देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर त्योहार मनाने आए हैं किसी तरह बमुश्किल। और इस वक्त देखिए कि किस तरह की यहाँ पर जो ट्रेन है वो, अभी हमने आपको ट्रेन के भीतर की स्थिति दिखाई, बेहद मुश्किल जो है स्थिति है। आदमी पे आदमी चढ़ के आए, मतलब इतना जबरदस्त भीड़ था ना सर, मतलब पूरा धक्का मुक्की, पूरा एक मतलब ना पैर रखने का जगह था। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से आ रहा हूँ और जा रहा हूँ कटिहार, कटिहार जा रहा हूँ, और इतना बेहतर भीड़ था कि मतलब कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल, तो देखा ये आपने कि किस तरीके से आपको मैंने ट्रेनों की स्थिति मैंने बताई कि देखिए जो लोग जो है किस तरीके से यहाँ यात्रा करने को मजबूर है। छठ का त्योहार है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि कोई किसी तरह आ रहा है, कोई किसी पर लत कर आ रहा है, कोई कहीं सो कर आ रहा है, कुछ लोग वॉशरूम के बाहर बैठे हुए नजर आए। तो ये है ट्रेन की स्थिति। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार का विकास कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम सड़कें बनवा रहे हैं, लेकिन सड़कें इंडस्ट्री और तमाम सारी चीजें आ रही हैं, तो ट्रेनों से आने वाले ये लोग कौन हैं जो बोगियां भर भर कर आ रहे हैं, जो इस तरीके से मुश्किल से आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है और अपने बिहार में उससे कम पैसा मिले तो भी वो यहीं पर काम करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, लेकिन उनकी समस्या को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और आने वाली अन्य सरकारें भी क्या समझेंगी जिस तरीके से यहाँ लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह।